और आज नरेंद्र मोदी जी मुंबई में हैं, मैं उनके लिए एक खास शेर आपके सामने रखना चाहता हूं। वतन को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, वतन को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, और देश को चोरों से नहीं चौकीदारों से खतरा है। सिद्धू जी ने आपको बताया कि 5 साल पहले मोदी जी ने देश के सामने कितने सारे वायदे दिए। उन्होंने बेरोजगारी हटाने का एक वायदा दिया, महंगाई कम करने का एक वायदा दिया, और हर एक मुद्दे को लेकर वे पूरी तरह से पिछले 5 वर्षों में फेल रह चुके हैं। और आज मैं मानता हूं, जब वे देश को और देश के मतदाताओं को भावनात्मक मुद्दों में फंसाने की कोशिश कर रहे, इसका साफ मतलब है कि नौजवानों को रोजगार देने में, महिलाओं के लिए महंगाई कम करने में वे पूरी तरह से विफल और नाकाम रह चुके हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो सिद्धू जी ने कहा कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ी अंतर है, क्योंकि दोनों देश 1947 में आजाद हुए, लेकिन पाकिस्तान में, मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इतने बार पाकिस्तान की सेना ने लोकतंत्र सरकार को अस्थिर बनाने में वे सफल क्यों है। हिंदुस्तान में एक बार भी हमारी सेना ने सरकार के खिलाफ एक कूप नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने देश की सेना का राजनीतिकरण कभी नहीं किया। जो आज अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार, शिवसेना यही कर रही है। और मुंबई करों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज इसी वक्त नरेंद्र मोदी जी मुंबई में बीकेसी में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जब हमारे शहीद हेमंत करकरे जी, जिन्होंने मुंबई शहर की रक्षा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, कुछ ही दिन पहले भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर जी ने जिस प्रकार से उनका अपमान किया, मैं मानता हूं कि यही लोग असली देशद्रोही है जिन्होंने हमारे शहीदों का अपमान किया, जिन्होंने हमारी सेना का अपमान किया, जिन्होंने हमारे पुलिस कर्मचारियों का अपमान किया। और सिद्धू जी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के भाषण जो आधे घंटे पहले हुए, आधे घंटे के भाषण में उन्होंने एक बार भी शिवसेना का नाम नहीं लिया। इसका साफ मतलब है, जो मैं पिछले कई दिनों से कहते आ रहा हूं, कि इनकी बनावटी सरकार है, बनावटी गठबंधन है। और कुछ ही दिनों के अंदर जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की सवाल आएगी, आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आएगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि इनकी यूपी टूटने वाली है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र के लिए, इस हल्के के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या काम किया। मैं और एक बार आपको कहना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हम शिवसेना, भाजपा जैसे ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति सेक्युलर सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख, कि भारी संख्या में उतरकर नरेंद्र मोदी जी, शिवसेना, ठाकरे परिवार, इनके सिद्धांतों और विचारधाराओं के खिलाफ पूरी तरह से मिलकर अपना ताकत लगाकर इन्हें हराइएगा। क्योंकि शिवसेना ने दिसंबर के महीने 2018 में कहा, चौकीदार चोर है।